मुद्दा है बाल विकास परियोजना। रोहित कुमार खैरवा मुसर टोला भगवानपुर हाट सुवन बिहार के निवासी हैं, जो केंद्र संख्या 27 आंगनबाड़ी केंद्र में 3 भाई बहन के साथ पढ़ता है। सहायिका की बहाली नहीं होने के कारण सेविका प्रभावती देवी को पठन पाठन काम से लेकर खाना बनाना, बच्चों को खिलाना, पोषाहार बांटना, मीटिंग जाना, सारे काम अकेले करना पड़ता है, जिसके कारण केंद्र के बच्चों को पढ़ाई प्रभावित होती है। कहाँ पढ़ाला? आंगनबाड़ी में। आंगनबाड़ी सेविका कहाँ हो गई बड़ी? बड़ा को मीटिंग में यह पढ़ावे लगे हुए के और हमने के चाहिए वो देखे यहाँ पर अकेले है वो जी। ओ, मीटिंग में चल जाती है तो तू लोग अकेले बैठे रहते हैं हम। पर अपने अकेले बैठे रहता है तू लोग जी? पढ़ाई नहीं होता है? नहीं, यहाँ पे सहायिका नहीं है, ये सब काम अकेले करते हैं। अकेले खाना बनाकर खिलाते हैं, बच्चे को पढ़ाते हैं, देख रेख करना पड़ता है, और पोलियो का भी कार्यक्रम दे सकता है ना। और ब्लॉक भी कहीं जाना है तो जाना पड़ता है। सारे काम आप अकेले करती हैं? हाँ, अकेले करती हूँ। और उसके बदले में आपको कुछ मिलता है कि नहीं? मिलता है, सेविका का पद जो मिलता है वो तो सिर्फ सेविका अलग मिलता है, लेकिन सहायिका का आप काम करती है तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलता है? नहीं मिलता। आपने कभी अपने ऑफिस में बोली? हाँ, ऑफिस में बोले हैं, लिख कर भी दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता। नहीं। तो यहाँ आंगनबाड़ी कहाँ गई बड़ी? मीटिंग में। तब पढ़ाई नहीं क्या हो? तो का चाह तरू? एगुआ औरी सही का। अच्छा, तो आपको तुमको क्या चाहिए? एक और सहायता करने के लिए। ओ, तुमको और एक सहायिका चाहिए? जी। मैंने यह वीडियो इसलिए बनाई हूँ कि रोहित कुमार मेरे ही समुदाय के बच्चे हैं। रोहित कुमार जैसे ज़्यादातर मेरे ही समुदाय के बच्चे इस आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ने जाते हैं, जिससे बच्चे की पढ़ाई काफ़ी प्रभावित होती हैं। आगे मैं नहीं चाहती हूँ कि ऐसा हो, इसमें आप लोग मेरा मदद कर सकते हैं। संबंधित विभाग पदाधिकारी CDPO भगवानपुर हाट सिवान को, जिनका मोबाइल नंबर 9431005244 पर कॉल कर दबाव बनाकर एक सहायिका की बहाली करवा सकते हैं, ताकि बच्चों की पढ़ाई सही ढंग से हो सके। मैं ज्ञानती कुमारी, ग्राम रामपुर, पुर थाना भगवानपुर, जिला सिवान, बिहार से इंडियन हट के लिए।